अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि फिच के बाद अब मूडीज़ की तरफ से भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी पाकिस्तान में जो इस वक्त इकोनॉमिक हमें सिचुएशन नज़र आ रही है उसे उसको बेहतर करार दिया गया है क्रेडिट रेटिंग जो है उस वो हमारी इम्प्रूव हुई है अब ऑबियसली इसमें कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही होती हैं वज़ीर आज़म साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि जुलाई दो हज़ार चौबीस में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई और अफ़रात ज़र की शरह ग्यारह फ़ीसद पर आ गई और मौशी माहरन के मुताबिक आम, आ, सितंबर के महीने में अफ़रात ज़र की शराह मज़ीद जो है वो कम होगी इसके अलावा वज़र अजम साहब ने चूँकि इस पर इतमान का इजहार भी किया है तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में महंगाई तकरीबा तीन साल बाद सिंगल डिजट में आ गई है अगस्त 2024 में महंगाई की शरह जो है वो नौ अशारिया छः चार फ़ीद रही अक्टूबर 2021 के बाद मुल्क में पहली मरतबा महंगाई की शरह सिंगल डिजिट रिकॉर्ड की गई है अगस्त में बिजली छः अशारिया चार फीसद सस्ती हुई है इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है अब कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है जिनकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट हो रही है हम ये चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में ज़रा उन पर नज़र हम डालेंगे हुकूमत ने जब बजट बनाया था तो उसमें जो हदफ़ मुकरर किए गए थे वो अहदाफ खास मुश्किल थे एक बड़ा टफ़ टाइम उन्होंने ख़ुद अपने आप को दिया था लेकिन टैक्स कलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो उसमें काफ़ी हमें कामयाबी नज़र आई है उसमें काफ़ी बेहतरी भी हुई है और हमने ये देखा है कि जो वैसे दो हज़ार एक पाँच सालशी प्लान भी हुकूमत देने जा रही है उसके हवाले से भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं ज़रूर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से बेहतर होंगी इसके अलावा मुल्की सरमाकारी में इजाफ़ा हुआ है उसमें सत्रह फ़ीसद इजाफा नोट किया गया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हम सब जानते हैं कि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है बहुत बेहतरीन तरीके से आ, उसकी परफॉर्मेंस है अठहत्तर हज़ार पाँच सौ बारह पॉइंट्स की सतह पर जो है हंड्रेड इंडेक्स इस वक्त हमें नज़र आ रहा है बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है हकूती अखराज जो तो हैं इसमें बार बार आ, बात की जाती है हर वज़ी अजम साहब ये चाहते हैं कि शारी की पॉलिसी अपना कर हम आवाम को रिलीफ़ दें और इसके अलावा तीन मरतबा हमने ये देखा है कि पेट्रोल की कीमतों में भी कमी की गई है अभी जो एक रुपये छियासी पैसे इसमें कमी हुई है जो रिसेंटली हुआ है लेकिन इसके बाद इससे पहले भी दो मरतबा हमने देखा कि इसमें कमी की गई है और जो हमारी बरामदात हैं उसमें भी बेहतरी हमें नज़र आ रही है और ये कोशिश की जा रही है कि आगे ज़्यादा बेहतर तरीके से इनको लेकर चला जाए जो पाँच साल माशी प्लान हुकूमत अभी देने जा रही है उसमें हकमत अमली हमें ज़्यादा वाज तौर पर नज़र आएगी कि आगे किस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में इन तमाम इंडिकेटर्स के हवाले से बात करेंगे क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से हमें ये खबरें मिल रही हैं कि इंटरनेशनल रैंकिंग वाले जो इदारे हैं वो पाकिस्तान की मीशत को मस्हकम करार दे रहे हैं और हमारी मीशत जो है वह तरक्की की गामजन है इकतदी शारी की सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ओवरऑल इसमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमें नज़र आती है गवर्नमेंट जिसके तहत काम करती है आ, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे आ, मेरे साथ जो एर्नलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफि साहिर खलील साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब और इसके अलावा शहनीला अमार साहबा और आगा अकर हारून साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आप चारों हजरात का बहुत शुक्रिया Uh, मैं हाफिज़ साहब आपसे आप आगाज़ करना चाहूँगी सर मुझे ये बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट है फिच की पहले रिपोर्ट आई अब इसके बाद मूडीज़ की मुडीस तरफ की से जो uh, रिपोर्ट जो जारी की गई है ऑब्वियसली uh, पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी के लिए एक बहुत अच्छी ख़बर है कि एक दुरुस्त डायरेक्शन में इस वक्त नज़र आ रहा है कि काम हो रहा है और गवर्नमेंट की डायरेक्शन दुरुस्त है देखिए नाहिद बात यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ़ की सरबराही में जब हुकूमत ने इतदार संभाला उससे पहले पी डी एम की हुकूमत में जब इकतदार लिया था तो उसके बाद से मियाँ शहबाज़ शरीफ की तरजीहत में सबसे अव्लिन तरजीह मीशत की को संभालना और मीशत को पाँव पर खड़ा करना और इसके साथ साथ को रिलीफ देना ये दो तीन तरजी तरजीहत थी जिसके नतज जो हैं और इस पर यसुई के साथ असलाहती एजेंडे पर अमल किया गया है हाँ असलाहत के जिसका नतीजा ये है कि आज दुनिया की जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तानी मीशत की तारीफ कर रही हैं ये तारीफ वैसे नहीं की जाती देखें इस वक्त तीन रेटिंग एजेंसियाँ काम कर रही हैं मूडीज़ है उसके बाद जो है फिच है और तीसरी जो है एस एंड पी है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स इन तीनों का एक यकसा मौक़ है कि पाकिस्तानी मीशत जो है बेहतरी की जानब गामजन है हाँ। इस हवाले से फिच ने अपनी एक रिपोर्ट दी और आज जो जो गुजश्तर दो दिन पहले जो रिपोर्ट आई है इसकी मूडीज़ की उसमें उन्होंने ये कहा है उसमें जो आउटलुक है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो आउटलुक है मीशत के हवाले से वो स्टेबल हुआ है और ये स्टेबल होने से एक दर्जा ऊपर चला गया है अब इसे पॉजिटिव कह रहे हैं कि ये अब पॉजिटिव पॉजिटिविटी की तरफ पाकिस्तानी मीशत तेजी से गामजर है ये देखें ये माशी इशारिये जो हैं वो पाकिस्तान की मीशत को आ, पाकिस्तानी मीशत के बुनियादी पैरामीटर्स बनते हैं कि हम जो हैं लोगों को कितना रिलीफ दे रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई की शरह क्या है इन्फ्लेशन रेट क्या है महसूल जो हैं उनको जमा करने का हदफ जो है मुक्रर किए जो मुकर्र किया गया उसके मुताबिक हम चल रहे हैं फिर पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की हुकूमत जो वादे करती है अवाम के साथ खास तौर पर बचत के हवाले से ख़ास तौर पर कफायतशा के हवाले से इस हवाले से देखें राइट साइजिंग के हवाले से जो किए थे भी हाँ। अब हम दूसरे मरहले की जानबा ग हैं दूसरे मरहले में हैं जिसमें पाँच वजारतों की राइट साइजिंग का ऐलान किया गया है उसमें कॉमर्स शामिल है हाउसिंग शामिल, शामिल है सर्वाकारी बोर्ड शामिल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ़ूड सिक्योरिटी ये पांच अदारे या तो जम हो जाएंगे कि दूसरे अदारों में या इनकी इनको कम करके राइट साइजिंग के लाया जाएगा बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत जो है अपने अखराजा कम करने जा रही है ताकि इन अखराज इخला, को लोगों की तरफ मुंतकिल किया जाए और जहाँ पर भी मुमकिन हो सके लोगों को रिलीफ दी कि आपने कहा कि अभी फेडरल गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने बिजली के शोबों में रिलीफ दिया उसका नतीजा यह है कि बिजली की कीमतें जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं उसमें कमी हुई है तो उसका असर बराह रास्त हमारे जो आ, सार्फीन हैं उन पर पड़ रहा है और अब तीन साल में पहली बार ये अगस्त का महीना जो अच्छी खबर लेकर आया आया है कि इसमें महंगाई की शरह तीन साल में पहली बार सिंगल डिजिट पर आ रही है जी वरना ये ग्यारह फीसद थी और उससे पहले थर्टी टू परसेंट जो है वो थी दो साल पहले तक तो दो साल में ये हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया बल्कि महंगाई की शरह कम करके सिंगल डिजिट पर लाना और अभी प्राइम मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो 11 परसेंट है इस वक्त हम उसको अगले महीने तक 9 परसेंट तक लाने का वो इरादा रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हकूत की डायरेक्शन जो है मुआशी डायरेक्शन इकोनॉमिक डायरेक्शन दुरुस्त दुरुस्त है ठीक है देखें और उसमें जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो मुश्किल फैसले भी कर रहे हैं लेकिन यह है कि फैसले पाकिस्तान के मफादात के लिए हैं इसमें सियासत को जो है क़ुरबान किया जा रहा है सियासी मफात को कुरबान किया जा रहा है और कौमी मफादात पेश नज़र रखे जा रहा है यही वजह है कि हकूमत के जो जो भी इकदाम हैंशी इकदाम उसके अब जो नतज हैं उसका बरह रास्त फ़ायदा आवाम तक पहुँच रहा है, है। और पेट्रोल की कीमतों में अब जो हालिया कमी हुई है उसका बरह रास्त असर अवाम पर पड़ेगा जिससे अशिया की कीमतें भी कम होंगी और किराए जब कम होंगे तो जाहिर है कि अशिया सरफ़ की कीमतें भी कम होंगी तो ये वो इकदाम हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तानी मीशत जो है न सिर्फ इसकाम की तरफ बढ़ रही है बल्कि अब हम एक और स्टेप की तरफ जा रहे हैं कि तरक्की की जान उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर ये इकदाम इसी तरह जारी रहे तो तरक्की का सफ़र भी तेज़ होगा ठीक है साफी साहब आप कौन से मेन इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं जिनकी वजह से ये इंटरनेशनल रेटिंग इम्प्रूव हुई है हमारी और मज़ीद बेहतरी की तरफ हमारी इकानी जा रही है अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ओबियसली मैटर करती हैं एफ़ बी आर की एक जो रिपोर्ट में देख रही थी गुजशत माली साल में हदफ़ से चौवन अरब रुपये ज़्यादा ये बताया जाता है कि दो हज़ार तेईस चौबीस में टैक्स जो है वह जमा किया गया था नौ आ, जो मुकर किया गया था हदफ़ नौ था लेकिन नौ जो है वो हुआ तीस फ़ीसद इजाफे के साथ अभी भी कुछ इस किस्म के रिफ़ॉर्म्स की जा रही हैं कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बेहतर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आया जाए एस आई एफ़ सी का किरदार बहुत अहम है बरामदात हम अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं बल्कि गज़ाई अजनास में तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी हुई है ओवरऑल आप क्या कहेंगे इस पर शुक्रिया नही देख तो आप बहुत काइंड है आप अपने सवाल में हम इतने टिप्स दे देती है कि जवाब देने में आसानी हो जाती है या मुझे शर्मिंदा कर हाफिज साहब ने जो आपको टेक्निकली बताया अब मैं एक आम शहरी और एक आम सार्फ़ की निगाह से आपको कुछ ऐसी इंडिकेशंस और ऐसे इशारिये बताने की कोशिश करूँगा जिससे हमें बात समझ आई कि क्यों हम आज कहने पर मजबूर है कि पाकिस्तान की मीशत दुरुस्त में जा रही है इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल इतने ज़्यादा गंभीर हो चुके थे कि वो साल दो साल का प्रोजेक्ट नहीं था उसको संभालना और उसको ट्रैक पे लाना ये बहुत बड़ा जान जोकों का काम था ये तो आ, स्पेशली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वजी अजम का ये खासा है कि उन्होंने हालात के बावजूद जब पी डी एम वन की हुकूमत संभाली और अब जब दोबारा आवाम ने उनको मंतख करके वजी अजम बनाया है तो उनकी यही कोशिश है कि पहली फुरस्त में हमने मीशत की बहाली का काम करना है जो तरक्की के अहदाप है जो जो बाक़ी ममालिक अपने सामने रखते जैसे चाइना है यूएस है यू के है इंडिया है जो बड़ी मीषत है दुनिया की उनकी बात ही अलग है हम तो पहले जो था अपनी मीशत को हमने आ, पहले मरहले में ऑपरेशन थिएटर से निकालना था और उनको वेंटिलेटर से जी हाँ वेंटिलेटर से, से लेके हमने उसको जर्नल वार्ड में मुंतकिल करना था तो उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है लेकिन यह रास्ता बहुत कठिन है बदस्तूर ऐसा नहीं है कि मोदी मोडीज़ और फिच की इन दो रिपोर्टों की बुनियाद पे या इधारा इधारा शुमारियात जो हमें कह रहा है कि इनकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हुआ है हमने रास्ता जो पहले हम भटक गए थे माशी तौर पर हम कहीं और जा रहे थे हम तंजुल की तरफ जा रहे थे एटलीस्ट उस पगडंडी पर हम दोबारा चढ़ गए हैं इस पगडंडी पेपर हमने कच्ची रोड पे चढ़ना है फिर उसके बाद जाके हमने हाईवे पे जाना है अभी रास्ता बहुत तवील है लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह फ्रेट दर में कमी आई है आपकी करेंसी की जो डेविएशन थी उसमें हम वो देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत पे भी आज कुछ मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है पहले तो एक-एक दिन में 10-10 रुपए 12-12 रुपए डॉलर की कीमत में हमने इजाफे देखे थे अब उसके बाद जो है अफ़रातर की बात हो गई अब जो आपकी महंगाई की शरह़ है उसमें कमी रुनमा हो रही है और वज़ी अजम साहब ने दे, फर्स्ट से कहा था कि 2024 तक हम ये तो ना करें कि हमारा मुश्किल वक्त ख़त्म होगा और अब भी वो यही कह रहे हैं कि अभी हमारी मुश्किल बदस्तूर है अभी हमने दोबारा आई एम एफ़ के पास जाना है अब हमने ये देखना है कि जो रिलीफ दिए गए हैं जिनकी बुनियाद पर हम आज ये प्रोग्राम करने पर मजबूर हुए हैं कि कुछ इशारे बेहतर हुए आवाम को रिलीफ मुंतकिल हो रहा है बिजली की कीमतों में कुछ रिलीफ दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फेडरल गोर्नमेंट की तरफ से तो ख़ुदा न खास्ता ये चीज़ें रिवर्स भी हो सकती है अगर आई एम एफ़ ये चीज़ें ना नहीं माने आई एम एफ़ को तो शदीद चढ़ है कि आप सब्सिडी नहीं देंगे आप सब्सिडी नहीं दे सकते रियासत पाकिस्तान इसकाबिल नहीं है कि वो सब्सिडीज़ दे लेकिन चूँकि अवामी और सियासी हुकूमतें उन्हें देनी पड़ रही है मुख्तलिफा जहाँ भी हुकूमत को आ, आ, मौका मिलता है तो आवाम को रिलीफ मुंतकिल किया जाता है दूसरे वजी अजम साहब पे एक जानब अवाम का प्रेशर है दूसरे अपने बड़े भाई का भी प्रेशर है कि दे दे रिलीफ़ <laughs> दे दे, आपने कुछ ना कुछ देना है आवाम को कुछ दे के जाए अब भी हम दो दिन पहले नवाज शरीफ साहब को सुन रहे थे लाहौर में कि वो शहबाज शरीफ साहब और मरने नवाज़ साहब की क्लास ले रहे थे कि आप दे दें मुंतकिल करें जो भी है जिस तरीके से भी आवाम को आपने रिलीफ देना है तो ये जर्नल इशारे जो है एक तो के साथ बाजारी का ख़ात्मा हुआ है और दूसरी अफरात जर में हम कमी रिकॉर्ड होना देख रहे हैं और तीसरी बात जो है वो शरह महंगाई में जो है वो अभी कमी आई है लेकिन अब इसने मज़ीद मस्तकम होना है आने वाले दिनों में हम यही तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दोस्त मालिक पाकिस्तान के मालिक खसारे को कवर करने में पाकिस्तान की मज़ीद मदद करेंगे और इसके साथ सब जब आई एम एफ का नया पैकेज आएगा हाँ। तो हो सकता है कि फिर हम कोई सस्टेनेबल माशी इकदाम करें और टैक्स की इजाफे की शरह जो आपने अभी बयान की है अभी ये बिल्कुल इब्तदा है अभी तो, तो ने पिछले भी हड़ताल कर दी थी अब हमने देखना है कि अब दो तीन महीने बाद जो ए, कुछ और असलाहत आ रहे हैं तो उसके नतीजे में हमने ये देखना है लेकिन इन असलाहत और इन कड़वे गूंज के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बायस इतमान और सुकून बात यह है कि हम दुरुस्त से मत पे अब गामजन हुए हैं और है। रास्ता अभी बहुत तवील है ठीक है अच्छा आप इसको कैसे देख रही हैं शहनीला अपग्रेड हुई है हमारी क्रेडिट रेटिंग ऑब्वियसली एक बड़ी अच्छी खबर है एटलीस्ट आपको ये इतमान है कि आप एक राइट right डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर जो इंडिकेटर्स जिसके हवाले से मैं पहले बात कर रही थी कि किम को जहाँ हुकूमत को मौका मिलता है तो वो ज़रूर रिलीफ जो है वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं चाहे उसमें पेट्रोल की कीमतों में कमी हो बिजली की कीमतों में पंजाब में भी हमने देखा और फेडरल में भी अभी आई एम एफ़ को भी लिखा गया जो उसमें भी खासी कमी करने की कोशिश की जा रही है देखते हैं कि उसमें कहाँ तक कामयाब हो पाते हैं लेकिन ओवरऑल कोशिश की जा रही है लेकिन अगर आप अप्रैल 2022 में चली जाएं तो यही मुल्क था और हमारी कोई एलसी खोलने के लिए तैयार नहीं था जब हमने पेट्रोल भी को भी, इंपोर्ट भी को करना था एल सी बंद थी जी और अब एलसी uh, नहीं खुल रही थी और आज देखें कि मूडीज़ हमारी uh, जो रेटिंग है उसको पॉजिटिव कर, कर रहा है हमने ब्रामदाद के ऊपर उस वक्त हमें पाबंदी लगानी पड़ी थी कि सॉरी इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी थी कि हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते हमारे पास ज़र मुबादला के जाहिर बहुत कम है और उस वक्त हमारे ज़र मुबादला के जाहिर इस तरह चलते थे एक हफ्ते की इम्पोर्ट गाँ 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 के लिए हैं दो हफ्ते की इम्पोर्ट के लिए आज दो डेढ़ से दो महीने की इम्पोर्ट के लिए जर मुबादला हमारे पास मौजूद है आई एम एफ का मुहिदा बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ था फिर आपकी महंगाई जो थी वो इतनी ज्यादा हुई कि आपको टैक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा चौबीस परसेंट पे आपका इंटरेस्ट रेट चला गया हुआ था जिसमें आज उसमें भी कमी हुई है

आपको सब किस्म की शराइती हाँ। एकदम से बिजली की प्राइस आपकी बढ़ गई थी जो कि नहीं की, पी, की हुकूमत चाइना नहीं। नहीं। तो से भी कुछ नहीं मिलना था, नहीं। 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 नहीं मिलना था आपके जरिए मुबरा के खत्म हो जाए थे और करंट अकाउंट खसारा सेवनटी एट परसेंट कम हुआ है हमारा जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत आई थी आपका अठहत्तर अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था जो इस वक्त छह सौ करोड़ डॉलर के ऊपर आपका आ चुका है करंट अकाउंट का सारे तो ये वो सारी चीजें हैं ना पूरी इकोनॉमी की आउटलुक जिसको देखते हुए मूडीज़ ने हमारी रेटिंग जो है पॉजिटिव की है और आप ये देखें कि जस, जब भी नवाज लीग की गवर्नमेंट होती है तो मूडीज की रेटिंग हमेशा पॉजिटिव आती है अभी आपने बात की थी रिलीफ की बिजली के, के बिलों में देखिए दो सौ यूनिट वालों को तो पहले तीन महीने के लिए दिया गया था अब हुकूमत जाहिर एम एफ के प्रोग्राम में है कोई भी अगर सब्सिडी देनी या रिलीफ देना तो आई से हमें अप्रूव करवानी पड़ती है चीजें अब हुकूमत ने एक प्लान बनाया है आई को दिया है जिसमें वो सूबों को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि सूबे भी अपने फंड है कुछ कम करें कटौती और वो दें उसमें ये ये एक है कि चौबीस सौ अरब जो है वो इकट्ठा हम सर्कुलर डेट जो है खत्म करें उससे ये होगा कि तीन चार रुपए जो है ना वो आपको फौरी तौर पे बिजली के पर्चा हो दे सकते हैं उसके अलावा ये भी है कि जो 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 के अरब रुपए तहत अपने हिस्से से से जिसमें खैबर पूरा है बिल्कुल हाँ जी वो अब फिर एक ट्रक की बत्ती के पीछे अपने लोगों को लगाने लगे आपको याद होगा जब दो हजार तेरह में हुत थी तो सो बानी पीटीआई ने कहा था की जी हम तो तीन सौ पचास डैम बनाएंगे अठारवी तरमीम के तहत हम बिजली अपने खुद पैदा करेंगे आज भी उनके वजी खजाना कह रहे हैं जी हम तो कोई आपको पैसे नहीं देंगे सर्कुलर डेट करने के लिए क्योंकि हम अपने पावर प्लांट्स लगाएंगे हम अपनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे तो फिर वही एक उसके पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाने लगे लेकिन अगर ये आई एम एफ करती हाँ। है तो कम अज कम छः से सात रुपए बिजली के यूनिट में कमी होगी और इस वक्त नाइद लोगों का सबसे बड़ा मसला है पेट्रोल की प्राइस और बिजली की प्राइस बिजली के जो इतने बिल, बिल आते, बिल्कुल हैं, बिल्कुल आते हैं आवाम बड़ी परेशान है उससे बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस बात को मानना भी चाहिए तो अब उसमें यह है कि जो नाकारा पावर प्लांट्स हैं उनकी एक ही दफा पेमेंट देकर उनको बंद किया जाएगा जो हुकूमती पावर प्लांट्स हैं उनके शर मुनाफा को कम किया जाएगा तो इस ओवरऑल इन सबको इकट्ठा किया जाएगा तो ये हो जाएगा यानी कि मतलब पूरी कोशिश है गवर्नमेंट की कि जहां जहां से भी रिलीफ हो सकता है आवाम को वो मिले

और हाँ। वो हमें नजर भी आता है है कि रियलाइजेशन अगर इस वक्त हालात है। मुश्किल हैं तो फिर जहां... को हमेशा होती है होती है वो रिलीफ जहां पॉसिबल हो वो जरूर दिया जाना चाहिए इकरार साहब आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को एक बहुत अच्छी खबर है हमारी इकोनॉमी के हवाले से जो बड़े क्राइसिस हमने फेस भी किए हैं स्टिल सब चीजें ठीक नहीं है अभी अलॉन्ग वे टू गो जैसे साफी साहब भी ये बात कर रहे थे अभी तो बहुत सारे और भी चैलेंजेस हमारे सामने लेकिन एटलीस्ट इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो कुछ इतमान का बायस हाँ बिल्कुल मैं हाफिज़ का एक मिसरा है तेज़ उतर वर्को कामजन मंजिल माँ दूर है कि हम बहुत दूर नहीं रह गए मंजिल से स्टेप बाई स्टेप चले हैं लेकिन मंजिल दूर नहीं है जो फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसको आप इंडिकेटर्स कहते हैं जी आप अगर गौर से पढ़े जो उसमें स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट दी है उस पर उसे दो दो फैक्टर्स को हाईलाइट लाइट किए एक बल्कि तीन को एक तो उसकी अपनी स्ट्रॉग मॉनिटरिंग पॉलिसी सॉरी सेकेंडली डॉलर के रेट में सस्टेनेबिलिटी और थर्डली इजनास की फ्रमी बेहतर सारा का सारा आपका डॉलर वहां चला जाता था यहाँ तीन सौ तीन सौ इक्कीस रुपए तक डॉलर जाने वाला था और वहां पर दो सौ तहत्तर रुपए पाकिस्तानी डॉलर मिलता था ठीक है उसके बाद आपका मैं तो हमेशा ही कहता हूँ एडिबल ऑयल हम अपने लिए मंगवाते हैं पेमेंट हम यानी बिल हम देते हैं और वो सारा का सारा ट्रकों में भरके वो वर्षा चला जाता है ना तो ये, आप ये देखें अगर आप अपनी बॉर्डर को कंट्रोल रखें तो आप उसके देखेंटर्स का इमिजिएटली रिजल्ट आया बाकी देखे तीन चार महीने भी आप देखें कितना ज्यादा फर्क आ गया और अभी भी मैं कहूंगा कि आपको अजनास की जो आप कह सकते हैं कि आप मेरा जारी ख्याल ये है कि सिर्फ वो अजनास जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जिसमें दालें हम, हमने बेसिकली ये हुआ कि हमने पिछले चालीस साल में दालें उगाने के ऊपर काम नहीं किया हाँ। एक जमाने में हम दालें एक्सपोर्ट करते थे हम हाँ अब हम 80% फीसद 80% परसेंट हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपको यू हैव टू द गवर्नमेंट नॉ इसलिए नहीं कि उन्होंने आई मीन के आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ रिलीफ दिया है और उसके ऊपर बिजली के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने ओवरऑल आप देखें कि सख्त वो ले रहे हैं हुँ. आपको क्या ख्याल है कि अगर तीन हजार छह सौ अरब रुपए सालाना की स्मगलिंग रोकी गई है हुँ. तो क्या आपका क्या ख्याल है कि उसका इम्पैक्ट नहीं होगा जिसके बीच में आई एम सॉरी टू से बहुत पावरफुल माफिया भी शामिल है और आपने देखा था कि जैसे स्मगलिंग रोकी थी तो क्या क्या बयान नहीं आए थे लोगों के तो अब मेरा जाती ख्याल है कि अगर हकूमत इसी तरह चीजें कंट्रोल रखें और आज और मेरा ख्याल है कि अब हम सेकेंड फेज में घुसने लगे हैं इसमें राइट साइड दिखे इनशा इन शाह बाय अक्टूबर आपको नजर आएगा कि हम जो ये अभी नाइन पॉइंट सिक्स का जो डिजिट है हाँ। ये हम सस्टेन कर लेंगे जी इंशा आपने बहुं इसका जिक्र किया ना फूड कमोडिटीज का कि हम दालें पे जो है बरामद कर रहे थे अब ऐसा है एफसी के तहत इस पर काम हो रहा है एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा एफसी सॉरी एक बात को ऐड करना 35% बरामदात में इजाफा हुआ और غالباً

और सियासी इस्तेकाम की जब बात करते हैं तो बुनियादी जो बात है वो है लॉ एंड ऑर्डर कि मुल्क में देखें दहशत गर्दी की जो हालिया लहर आई है और जिस गैर मुल्की एजेंडे पर यहाँ पर काम हो रहा है जिस गैर मुल्की इशारे पर यह लहर चली है उसके तहत ये पाकिस्तान के टेक ऑफ करने का वक्त है कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसी लम्हे जो है पाकिस्तान को गिरा दोबारा गिराने के लिए दहशतगर्दी तेज़ होती जा रही है और लेकिन यह है कि सिक्योरिटी फोर्स की कुर्बानी आप देख लें अवाम खड़े हुए हैं उनके पीछे इन शाह ये काम भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा और दहशतगर्दी की हालिया लहर जो है पहली लहर की तरह ख़त्म हो जाएगी ये बुनियादी काम है इसके साथ साथ आप देखें कि जो इलीगल स्पेक्ट्रम हैवाज़ी मीशत उसका खात्मा मीशत को खड़ा करने के लिए बहुत जरूरी था है है। और यह बड़े सख्त फैसले किए हुकूमत ने जिसके तहत ना सिर्फ यह कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकिन वतन को बाहर भेजा गया है है। उसमें देखें बड़ी ये कामयाबी थी कि छः लाख अफगानों को जो है उनके घर वापस भेजा गया हाँ। और उसमें से फिर दो ढाई लाख जो है वो ये बड़ा ये बड़ा, बहुत, बहुत बड़ा, बड़ा चैलेंज था बहुत बड़ा चैलेंज था फिर वापस नहीं कर सकते अच्छा उसके साथ साथ फिर जो डॉलर की एक्सपोर्ट जो डॉलर जो है यहाँ से बाहर जा रहा था उसको रोका गया गैर कानूनी तौर पर फिर यहाँ पर जो है जो तजारत और जिस तरह से आगे इकराज ने जिक्र किया है कि स्मगलिंग को रोका गया है अशिया जरूरिया जो है बड़ी मिकदार में स्मगल हो रही थी चौथा ये था कि यहाँ पर गैस चोरी और बिजली चोरी एक देखे कम्पेन चलाई गई भरपूर पच्चीस हजार बिजली चोर जो है गिरफ्तार हुए ट्वेंटी फाइव बिलियन जो है रुपीज़ जो है रिकवरी हुई हाँ बिजली हाँ के जीवन में ये बड़ी कामयाबियां थी हाँ। और देखिए रियासत जो है वो इश, वो रियासत जो है अज़्म <coughs> का इजहार कर ले तो काम मुमकिन हो जाते हैं और यही वजह है कि मुल्क में जो मुतवाजी मीशत थी उसको अगर ख़त्म नहीं किया गया तो तकरीबन वो खात्मे के करीब करीब, करीब ज़रूर पहुंची है और अब उस तरह से सूरत हाल नहीं है कि ईरान बॉर्डर जो है खुला हुआ है और वहाँ से जो है बिलियन जो है वो बिलियन डॉलर्स की जो है वो स्मगलिंग हो रही है और वहाँ से चमन के रास्ते या तफ्तान के रास्ते और ऑयल जो है ईरान का यहाँ पर इवन यह है कि इस्लामाबाद की सरहदों के नज़दीक तरीन पाकिस्तान में आ गया था ईरानी तेल लेकिन ये सब काम जो है रियासत ने पुख्ता आज़म के साथ फैसले किए और ये सब काम ख़त्म हुए तो ये इलीगल जो स्पेक्ट्रम था उसको जब रियासत ने फैसला किया उसके साथ साथ एस आई एफ सी के ज़रिए गैर मुल्की सरमायकारी और फिर इसमें सबसे अहम फैक्टर सी पैक फेज टू इसकी जो है जो जो लॉन्चिंग हो रही हाँ। है और इसको दोबारा जो एक्टिवेट किया गया है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर गए जून में चीन और उसमें पाकिस्तानी नौजवानों को हुनरमंद बनाने के फ़ैसले हुए हैं उसमें है। स, आ, सी पैक फ़ेज़ टू को तेज़ करने के फैसले हुए हैं पाकिस्तान चाइना की जो इंडस्ट्री है उसकी री लोकेशन की बात हुई है ये तमाम इकदाम जो हैं अब ये अमली तौर पर सामने नज़र आने लगे हैं और इन इकदाम के नतीजे में यक़ीन जो है लोगों को रिलीफ होगा लोगों को और लोगों को रोजगार भी मिलेगा हमारे नौजवान जो है वो यकीनन आगे बढ़ेंगे ठीक है साफी साहब अच्छी खबरें हैं अच्छी बात हम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उन पर भी नज़र दौड़ाना जरूरी है कि अभी और बहुत कुछ हमें करना है अभी तो समझे कि एक रास्ते पर आप आए हैं है। आपने तो बड़ा तफसील से बता दिया था कि अभी हाईवे में जाने हाईवे में जाने में टाइम लगेगा तो क्या चैलेंजेस हैं इस पर नहीं देखिए ये जो माशी मसाइल और माशी साइंस जो है आ, इसको समझने के लिए ये बात असहद ज़रूरी है कि मीषत की बहाली की तरफ जब आप उसको सिर्फ ट्रैक पे भी लाते हाँ। आपको सालों दरकार होते हैं लेकिन हाँ। मीशत को ट्रैक से उतारने में आपका एक वाक़ भी, भी गलत हाँ। फैसला एक वाक़ भी उसके लिए काफ़ी होता है मिसाल के तौर पर अभी हाफिज़ साहब ने सी पैक फेज टू की बात की ऑल सेट पाकिस्तान की तरफ से चीन की तरफ से ऑल सेट दूसरे फेज में हम दाखिल हो चुके हैं गवादर एयरपोर्ट का पंद्रह अगस्त को तैयारी थी कि वहाँ पे उसने बहाल होना है और वहाँ पे माशी और सनती तर सरगर्मियों का आगाज़ होने जा रहा था तजारत का आगाज़ होना होने जा रहा था लेकिन छब्बीस अगस्त को क्या होता है कि एक तो रिपोर्टें आती है अगस्त के आगाज़ ही से कि बलुस्तान में हालात ठीक नहीं।, नहीं है एजेंसीज़ तो कोई आंखें बंद करके नहीं बैठी होती उनको तो पहले से पता होता है फिर छब्बीस अगस्त का जो वाक़ हुआ कि नौ बिल्कुल, दस मकाम पर कोआडीनेटिव वाक़ हुए तो ऐसे में जब बलुचस्तान की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बलुचिस्तान की सतह पर आप किस तरह जो ये जो हम मस्बत बातें कर रहे हैं ये मस्बत इशारियों की बात आ, कर रहे हैं उसका असर बलुचान के सूबे पर किस तरह मुंतकिल होगा या जो खैबर पुख्तनख्वा की तीकेंसी ममसी डेरा इसम खान में जो मुसलसल वाक़ हो रहे हैं तो आपका तरक्की और आपका जो ये जो हम मीशत की बेहतरी की जो बातें कर रहे हैं ये वहाँ पर किस तरह मुंतकिल होगा जो आपकी बात है ये बिल्कुल वैलिड है कि इसमें जो है एक तो ये मुद्दत काम होता है मीशत को एक ट्रैक पर डालना लेकिन डी ट्रैक होना ये बहुत ही अचानक होता है और उसकी बहाली पश्तों का एक शायर है कलंदर मोम उनका एक शायर है कि डेर मुद्दे और डेर पखतना गवाड़ी अच्छे शबाब तरसी मफहम इसका ये मैं है मफहम मतलब हाँ, बताता हूँ मफहम ये है कि जब आप कम सिन मोहब्बत को हाँ। दौरे शबाब तक पहुँचाना जब आपको होता है तो उसमें उम्र और आपका बहुत कुछ खर्च हो जाता है लेकिन ये ऐसा ये मैशत के केल भी जो है इसको अगर आपने शबाब तक पहुँचाना है तो इसमें आपको सालों दरकार होते हैं हम देख रहे हैं ना कि ये हुकूमत दो साल हाँ। से तीन साल से मुसलसल मेहनत कर रही थी तो अभी हम जाके ये कह रहे हैं कि फिच हम नहीं कह रहे हाँ। फिच और मोदी कह रहे हैं कि आपका ट्रैक ठीक है आईएमएफ आपको कर्जा देने के लिए तैयार है कि हाँ आप आप ठीक है लेकिन इसके साथ साथ अभी हमने अपने आंखें और कान खोल के रखने हैं कि जब जब पाकिस्तान की मीशत ट्रैक पे चढ़ती है बेहतरी आती है तो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर सरगर्म होते हैं जैसे कि बलूचिस्तान में सरगर्म है जैसे जैसे कि के, के पी में है और जिस तरह कहा जा रहा है कि आठ सितम्बर को एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद पर होगा

फिर वो जो पार्टी है वो कभी को, हाँ। नहीं है, है। को, को हमले की धमकी देना आप ये देखें खत लिखती है कि पाकिस्तान के साथ मुहिदा मत आपके करें वही पार्टी है वो आई के ऑफिस के बाहर जाके एहत करते पाकिस्तान को आप कर्जा मत दें। फिर वो दुनिया के अंदर जाके पाकिस्तान की ऐसी नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करती है दुनिया हमारे हमारे मुल्क के अंदर ना यहाँ पे आके सरमाकारी ना करे ये चैलेंज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूसरा चैलेंज वही दहशत गर्दी अगर दहशत गर्दी हो रही होगी तो आपके मुल्क के अंदर कोई नहीं आएगा हुकूमत के लिए चैलेंज है तीसरा वो स्मगलिंग अगर आप आपके मुल्क के अंदर स्मगलिंग हो रही होगी डॉलर की स्मगलिंग हो रही है जनास की स्मगलिंग हो रही है वहां से पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही है गैर मुल्कियों की आमदोरफ्त हो रही है बॉर्डर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है उससे स्मगलिंग वो बहुत ज्यादा हुकूमत के लिए चैलेंज है तीसरा ये जो कि आए दिन आप जिनसे टैक्स ले रहे होते हैं वो धरने की दे रहे होते हैं हड़ताल की धमकियां दे रहे थे दे रहे अभी भी हम देखें कि कुछ मुलाजमी जो है वो यूटिलिटी स्टोर बंद किया गया तो उसके मुलाजमी धरना देकर बैठे हुए हैं तो इस टाइप की जो खबरें जब बाहर जाती हैं तो वो भी आपकी इकोनमी के लिए बड़ा, बड़ा मसला बनती है तो हुकूमत को सख्त है, है, तो है के लिए आता आपके मुल्क में सारा माहौल होता है ना वो सही चाहिए उसे रेटिंग चेक करनी है अगर रेटिंग अच्छी नहीं है आप तो वापस चले जाइए यहाँ पे आके मुनाफा लेके बाहर अपने मुल्क वापस जाना है अगर उसको कोई मुनाफा नहीं हो रहा होगा तो कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ये हुकूमत हुकूमत को डटना होगा टैक्स के 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 मामले में अब आपको माफिया माफिया सामने सामने नहीं झुकना अगर झुकती रहेगी तो ये जो ट्रैक पे चली है ना हमारी ये भी वापस अब, क्योंकि अब जो, डट डट जो... महिश कोई बटन नहीं है जिसको ऑन किया था ऑफ किया तो नाइट ये इसको ट्रैक पे आपका चाहूंगी मैं यही कहूंगा कि मैं ये, ये कहूंगा कि जब तक आप मिडल मैन को टैक्स नहीं करते हैं और जब तक आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को 100 परसेंट नहीं करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है दोस्तों ने की है कि ये सारी चीजें जो हैं देखिए अभी भी हम एक आ, एक टर्मिनल से गुजर रहे हैं तो फ्रिजाइल है उनकी फ्रिजलिटी है अभी उसकी जड़ें जो हैं वो जमीन में तब जाएंगी जब आप टैक्सेशन बढ़ाएंगे घर चलाने के दो तरीके या हम खर्चे कम करें ठीक है या आप आमदन बढ़ाएं खर्चे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतने नहीं हो, हो रहे हैं जितने होने चाहिए तीन सौ अरब हम बचा सकते हैं अगर हम प्रॉपर राइट साइजिंग करें ठीक है और टैक्स प्रॉपर टैक्सेशन होगी तो आपके पास पैसा भी आएगा दोनों तरीके पूरे हो जाएंगे खर्चे भी कम हो जाएंगे आमदन भी बढ़े तो इस मामले में, में सख्ती से काम सख्ती देखिए बात सुने या आपके बच्चों का क्या कसूर है अगर एक आदमी चाहता है कि मैं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में रहना चाहता हूँ हमारा क्या कसूर आपकी सैलरीड क्लास को भी फायदा तभी होगा जब उधर से आपको टैक्स मिलेगा तो रिलीफ फिर बाकी हमें, हमें है ना जी सोर्स हम ही नजर आते वो तो देते है नहीं है सही है ठीक है आ, इकोनॉमी के हवाले से हम गुतु कर रहे थे और जो अच्छी चीज़ें हैं जो अच्छी ख़बरें हैं उस पर भी हमने बात की है इंटरनेशनली भी जिस तरह से रेटिंग जो है पाकिस्तान की बेहतर हो रही है उस पर भी हम बात कर रहे हैं और जो चैलेंजेस हैं हमने उनको भी डिस्कस किया कि अब आगे करना क्या है एक और ख़बर है उस पर हम चाहेंगे कि प्रोग्राम में इस वक्त बात करें ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर चांसलर नामजदगी पर बानी पी टी आई इस वक्त तनकीद की ज़द में है और गार्जियन में भी एक कॉलम लिखा गया है डेली मेल में भी जिसमें मोटी मोटी अगर चीज़ें देखी जाएं तो बरतानवी अखबार ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दिया है और तालिबान दोस्त शख्स का चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतखब दुरुस्त हो सकता है इसके ऊपर सवाल उठाया गया है और बानी पी टी आई ने ख़ीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हमायत की है उसामा बिन लादिन को शहीद करार दिया है ये दूसरा सवाल उठाया गया है और एक और सवाल भी इसमें उठाया गया है कि बानी पी टी आई को चौदह साल सज़ा हो चुकी है वो दस्याब कैसे होंगे अब हम इसी के हवाले से बात करेंगे ये तो बहरहाल अट्ठाईस अक्टूबर को पता चलेगा कि वो कितने इस्ट्रॉग कैंडिडेट हैं और मंतखब होते हैं या नहीं लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त बरतानवी जरीदे इस पर सवाल उठा रहे हैं उसके हवाले से बात करना चाहते हैं हाफिज़ साहब ये सिर्फ बरतानवी जरीदे की बात नहीं है बल्कि तकरीबन इंटरनेशनल मीडिया में ये क्वेश्चन जो हैं वो उठाए जा रहे हैं हाँ। और ये इलेक्शन इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो गया है कि इसमें ये इस तरह के सवालात जो हैं वो अब जबान जदम हैं और ख़ास तौर पर बरतानिया में इस पर जो है वो ये टॉक ऑफ द टाउन बनते जा रहे हैं देखिए इसमें जिस तरह से आपने बात की है तीन बेसिक पॉइंट्स हैं जो उठाए जा रहे हैं मैं उस उसम्बली के सेशन में मौजूद था जिसमें उसामा बिन लादन के हवाले से बात हो रही थी कि जब 11 मई 2011 को जब उसका ऑपरेशन हुआ अब तबाद तो उस हवाले से बानी पीटीआई जो है तख्लीर कर रहे थे और ये कहा गया कि उसामा बिन लादन को शहीद किया गया बल्कि उस पर ऐवान में एक एहताज भी हुआ लेकिन उन्होंने अपने अल्फाज विड्रॉ नहीं किए थे तो ये देखें ये एक माइंड है कि आप जो हैं किन लोगों को शहीद करार दे रहे हैं और कौन लोग जो हैं वतन दोस्त हैं मुहब वतन हैं नंबर वन दूसरा यह है कि ख़वा के हवाले से उनकी जो एक जहन, जहन, जहन है उनका ख़वान के बारे में नाजेबा रिमार्क्स ख़वान के बारे में नेगेटिविटी तो ये जो है ये मुतनाज़ बयान ये भी क्वेश्चन बन रही हैं तीसरा यह है कि उनके ए, 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 आई के हवाले से और खास तौर पर बानी पीटीआई जो हैं उसके बारे में ये बात की जा रही है कि सज़ा याफ्ता है हाँ। कि क्या कोई सज़ा याफ्ता शख्स एक ऑक्सफोर्ड जैसे अदारे हाँ। का सरबरा बन सकता है ढाई लाख वोटर्स हैं और ढाई लाख वोटर्स जो हैं वो यकन शौर के साथ फ़ैसला करेंगे और इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि इसमें कैंडिडेट कौन है इसमें देखा जाता है मेरिट की बुनियाद पर कि कौन जो है वो अपना टाइम दे सकता है कौन कौन ऑक्सफोर्ड को आगे ले जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ महज एक मुल्क की बात नहीं है बल्कि ऑक्सफोर्ड जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा एलीट अदारा है हाँ। और बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर दुनिया भर की क्यादत जो है वो तैयार की जाती है और लोगों को लोगों को रहनुमाई फराम की जाती है मुख्तलफ ईज़ में तो ये कोई आसान बात नहीं है और ये जिस तरह से बात की जा रही है बरतानवी मीडिया में अब ये बात नज़र आ रही है कि ये इलेक्शन जो है इसका जीतना कोई आसान बात नहीं होगी ख़ासतौर पर बानी पीटीआई के लिए ठीक है साफ़ी साहब आपको क्या लग रहा है उनके अहलीय पे सवाल तो उठाए जा रहे हैं बहुत मुश्किल है उनको उनके लिए इस इलेक्शन को जीतना ओवरऑल जो स्नहरी इस वक्त डेवलप हो रहा है जो ख़बरें सामने आ रही हैं देखिए बरतानिया का तो बहुत ही एडवांस्ड और आ, एक ऐसा निज़ाम है चाहे तालीमी इदारे हो चाहे वहाँ पर जमहूरी सेटअप हो या उनका जो बाक़ी जो समाजी स्ट्रक्चर है उसमें मेरिट का बहुत ख्याल रखा जाता है तो एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में इंतबात लड़ने का के अहल नहीं है तो वो सवाल तो अपनी जगह पे उठता है कि ऑक्सफर्ड जैसे दुनिया में एक मायानाज़ यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने की उनकी अहलीय क्या होगी तो अब चंद दिनों में साबित हो जाएगा कि उनकी अहलीय क्या होती है लेकिन गार्डियन ने जो लिखा है और बाकी मगरबी मीडिया ने जो लिखा है तो बदकस्मती से हमें तस्लीम करना पड़ता है कि इमरान खान साहब की ज़ात में वो तमाम ख़ामियाँ मौजूद थी या उनके स्टांस में जो मसलसल तब्दीलियाँ आती रही तो वो चीज़ें उनकी शख्सियत का एक हिस्सा है बज़ाहिर अगर ये आम अमूमी तौर पर कोई पाकिस्तानी शहरी और तगालबा एक या दो पाकिस्तानी शहरी पहले भी बरतानिया के अहम यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर रहे हैं और इमरान ख़ान साहब खुद भी ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो साल तक चांसलर हुँ। पहले हुँ। भी, भी रहे है। है। लेकिन बवजह उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दिया क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो जो सिंडिकेट था वो समझ रहा था कि इमरान खान साहब उस वक्त भी अपनी जिमेदारियाँ पूरी नहीं कर सके तो अब तो वो जेल में है और उन पर कई पाबंदियाँ है अब आ, वो उनका नाम जो है वो एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में भी शायद है उनके नहीं। नहीं। बहुत सारे उनके आमद और रफ्त पर भी पाबंदियाँ हैं उनको पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस का भी सामना करना पड़ रहा है तो ये बहुत मुश्किल एक अमल है लेकिन मैं फिर कह देता हूँ कि आम हालात में अगर इमरान खान साहब पर ये जराइम और जो उनके हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो उनके खाते में जो जराइम लिखे गए हैं और जिस तरह उन पर मगरबी मीडिया ने इल्ज़ाम लगाए हैं अगर ये ना होते कोई आम पाकिस्तानी होता तो पाकिस्तान के लिए फखर की बात होती ज़रूर पाकिस्तानियों हो के ऐसे प्लेटफार्म पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होनी हो चाहिए।, चाहिए मलाला की मिसाल हमारे सामने है सालार काकर साहब जो है वो वहाँ के यूनियंस के तलबा यूनियन के पाकिस्तानी नौजवान है इस वक्त तो वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में जो एक नौजवान शरीर ज़ख्मी हुआ था जो जिनकी जान अल्लाह ताला ने बचाई थी वो बरतानिया की यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की बहुत अली सतह पर नुमांद कर चुके हैं तो, तो अच्छी बात थी लेकिन चूँकि हालात इमरान ख़ान साहब के लिए कुछ ज़्यादा मुझे मुनासिब और साइब नहीं लग रहे कि वो इंतबात आसानी से जीत जाए ठीक है अच्छा शहनीलाक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया जा रहा है कि बानी पी टी आई के चांसलर के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ उनको कुछ गम गुस्से से भरी ई मेल्स ई आ रही हैं एहतजाजी पटिशन्स भी जो हैं मौसू होना शुरू हो गई हैं डेली मेल के मुताबिक इन ई में बानी पीटीआई को ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामनासिब उम्मीदवार जो है वो करार दिया गया है बल्कि नामुनासिब तरीन उम्मीदवार के तौर पर इसमें लिखा है कि उनको करार दिया गया देखिए मैं तो उनको इस काबिल भी नहीं समझती थी नाहल समझती थी कि वो पाकिस्तान के भी वज़ी अजम बनते लेकिन तो कल अग गया वो पाकिस्तान के बन गए ऑक्सफोर्ड एक तलीमी अदारा है ठीक है बहुत चीज़ मतलब अच्छा इदारा है कि वहाँ से ऐसी ऐसी लीडरशिप निकले बेनजीर भुटो वहाँ से निकल के आई हुई हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर लेकिन वहाँ पे जो बानी पी टी आई है, है उन्होंने पाकिस्तान में आज तक तालीम के लिए क्या किया है या तो उनकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो कि वो वहाँ पर जाएंगे और जाके कुछ हमें नजर पाकिस्तान में नजर आए तो हम कहेंगे वहाँ पर भी जाकर कुछ कर सकेंगे तालिबान ने जब आ, अमेरिका वहाँ से निकला तो उन्होंने कहा जो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी यानी कि वो जहाद को प्रमोट करते हैं तो वहाँ वहाँ पर जाकर स्टूडेंट को क्या वो तालीम देंगे खातिन के बारे में उनके बयान आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि लिबास ऐसा नहीं। नहीं। पहनती हैं कि वो खुद ज्यादती की वजह बनती है वो लिबास और मगरबी मीडिया ने उस वक्त भी बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया था तो वहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट पढ़ रही होंगे पढ़ रही हैं अगर वो कभी उनके सामने जा ऐसा कोई बयान देंगे वो खुद को इनसिक्योर नहीं समझेंगी वो समझेंगी वो कैसे ऐसे शख्स को जो है वो मुंतब कर सकती हैं फिर वो घड़ी चोरी की हुई है उन्होंने वो चोर हैं उनके ऊपर चोरी के तोशाहाना के चोरियों के इ्ज़ाम लग रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी होगी जो एक चोर को अपना सरबरा बनाना चाहेगी फिर और फिर ऑक्सफोर्ड जो है उनके कहने के ऊपर जो बानी पी है उनको जेलों से तो निकल निकलना नहीं है उन्होंने यहाँ की अदालतों का सामना करके फिर निकलना है तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उनको चाहिए तो यही होता है ना कि वो वहाँ पे अगर फंड रेजिंग है तो उनको उनका चांसलर चाहिए वहां पे कोई डिग्रियों की तकरीब हो रही है तो उनको चांसलर चाहिए वहां पे किसी सेमिनार में उसने खिताब करना तो चांसलर चाहिए तो हम ये तो नहीं कि ऑक्सफोर्ड वाले कहेंगे कि आप उठें और हम कहेंगे हाँ जी जेल के दरवाजे खुल गए बानी पीटीआई जो है वहाँ पे चले जाए तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसको अपना म्यार खुद देखना होगा कि यहाँ तो अपना स्टैंडर्ड गिरा दे कि वो किसी चोर को और किसी ना अहल शख्स को अपना चांसलर बना दे और यहाँ फिर अगर उनको नहीं अपना मैार कायम रखना तो फिर वो ज़रूर है चुन लें लेकिन जो जो तालबिल्म से निकला हुआ है आज जो दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे होंगे तो वो वोट डालते हुए कुछ तो सोचेंगे ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो लोग नहीं हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा किसी को भी सिलेक्ट करने के लिए और अभी तो ऑक्सफोर्ड ने भी देखना है कि वो उनको नामजद करते भी हैं कि नहीं Hmm. क्योंकि उनकी पॉलिटिकल इंटेंशंस तो हैं वो पाकिस्तान में अभी भी इलेक्शन आगे लड़ना चाहेंगे वो पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होना hmm. चाहेंगे वो नहीं चाहेंगे कि मैं सियासत छोड़ दूंगा तो ऑक्सफोर्ड को तो ऐसे ही शख्स चाहिए होगा कि जिसकी सियासत में इतने काम ना हो और जो अपनी पोलिटिकल मोटिवेशन जो है वो सारी खत्म करे और सिर्फ सारा का सारा जो है वो उसको अवेलेबिलिटी uh, uh, अवेलेबिलिटी तो जो है ऑक्सफोर्ड के लिए तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए मेरे ख्याल में कि वो जैसे पीटीआई वालों ने खुद साख्ता किस्म का मुसलमानों का मुसल उमा का लीडर बनाया हुआ ना खान साहब को तो इसी तरह उन्होंने खुद से ही समझ लिया कि वो चांसलर बन चुके हैं अब भी बहुत से इम्तहान बाकी है कि एक आदमी ने स्पोर्ट्स पे एडमिशन लिया थर्ड डिवीजन में बीए किया तो बड़ी बात है कि अगर ऑक्सफोर्ड उसके डोमिनेशन फॉर्म भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात गहरी आर्ट्स एक आदमी था वो कहते थे कि ये प्रेजिडेंट बन के ही रहेगा अमेरिका का एक छोटा सा

पढ़ाई के ऊपर भी थर्ड डिवीजन में पास हुआ हुआ है तो फिर किस्मत है अगर ऑक्सफोर्ड की अगर उसके नॉमिनेशन पेपर भी पास कर ले मैं, मैं तो इतना ही आपको लगता है कि नहीं ऐसा होने देखिए मुझे कुछ नहीं पता उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाउस ऑफ लंडन है उसके पीछे एक बहुत ताकतवर फैमिली है लंडन की वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उसके डोमिनेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाए बच्चों को आप मोबाइल ना दे क्योंकि बच्चे उसके ऊपर जो है वो बहुत खराब किस्म की चीजें देख रहे हैं यानी वो टेक्नोलॉजी के भी खिलाफ थे वो ड्रामो फिल्मों के खिलाफ थे वो खातन की मुलाजमतों के खिलाफ थे वो खातन के लिबास के खिलाफ थे तो ऐसा शख्स जब चांसलर बनेगा तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप क्या पढ़ाएंगे? कुछ जारें जारें नहीं मैं तोहराई पे और शनीला साहब इजाफा कर रहे हैं ठीक ठाक गुस्सा है खान साहब पे तो मेरे ख्याल में जब उनके कागजात की स्क्रूटनी हो जाए तो तभी एक कह कह दूं जो हाँ। कह रही थी कि जिहाद तो अच्छी बात है अगर वो जिहाद वाकी जिहाद, हो, जिहाद, तो बिल सेफ जिहाद नहीं है जिहाद बिल कलम भी है नफ्स भी, बिल हाँ। भी है लेकिन फसाद की अगर कोई तरवीज करे मेरे ख्याल में अगर इस बात की तस्सी की जा जी हाँ तो वो फसाद वो अगर उनकी तरफ से वो बातें वो नहीं अगर जिहाद इस्लामी जिहाद की उनके साथ कोई Link है तो मेरे ख्याल में फिर हम दोबारा बात करेंगे <laughs> देखते हैं कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं हाफिज साहि खलील साहब रशीद साफी साहब शहनीलामार साहबा और आगा मेरे साथ मौजूद थे आपका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी इजाजत दीजिए